हेलो स्टूडेंट, तो आपने लास्ट वीडियो में, अभी जो इसके पहले वीडियो रन हो रहा था, तो उसमें एक बेसिक नॉलेज किया गेन किया। अब उसी नॉलेज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो एक कन्फ्यूज़न होता है इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। तो सेम साइड ऑफ द बॉडी का जो सेम अनदर स्ट्रक्चर है, जैसे कि राइट साइड में अगर हम देखें तो राइट हैंड एंड राइट लेग, तो ये कहलाएगा इप्सिलेटरल। लेकिन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में जो अनदर स्ट्रक्चर होंगे, जैसे अपोजिट राइट एंड लेफ्ट अगर साइड अपन ले, तो राइट लेग एंड लेफ्ट हेड, तो ये जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रालेटरल। तो इसमें इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल, ये दो वर्ड याद रखिएगा। अब हम बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो जनरली जो साइनोवियल ज्वाइंट है, साइनोवियल ज्वाइंट मतलब ऐसा ज्वाइंट जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन के डबल लेयर्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा, वो साइनोवियल ज्वाइंट कहलाएगा। तो साइनोवियल ज्वाइंट में जो मूवमेंट के बेसिस पे इसे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइड करना, फिसलना, ग्लाइड करना, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्लाइडिंग मूवमेंट में जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? फ्लैट सरफेस होगा, रिलेटिवली फ्लैट सरफेस। तो जब जॉइंट में दो आर्टिकुलर सरफेस, बोन के आर्टिकुलर सरफेस कैसे हों? फ्लैट हों, और उसमें मूवमेंट कैसा हो? बैक एंड फोर्थ, पीछे और सामने की तरफ, या साइड बाय साइड, यानी आगे पीछे, या साइड बाय साइड मूवमेंट हो, तो ऐसा मूवमेंट ग्लाइडिंग मूवमेंट कहलाता है, ओके? लेकिन इसमें याद रखना है कि जो आर्टिकुलेटिंग बोन है वो एक लिमिटेड एंगल तक ही मूव करेंगे। इट डजंट मीन कि अगर वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे हैं तो काफ़ी पीछे चले जाएंगे और काफ़ी आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। साइड बाय साइड भी मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका एक्सटेंशन जो है वो नहीं होगा, वो एक लिमिटेड एक्सटेंशन तक ही मूव करेंगे, क्लियर? ये कहलाता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ रिस्ट बोन में, रिस्ट जो ज्वाइंट है वहाँ कार्पल बोन्स है, तो कार्पल बोन को अगर आप राइट एंड लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ उनके बीच में, कार्पल बोन्स के बीच में कैसा मूवमेंट होगा? ग्लाइडिंग मूवमेंट होगा। इसके अलावा जो वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा जैसे सर्वाइकल C7, थोरेसिक 12, T12, लंबर 5, तो जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में ज्वाइंट होता है, तो वर्टिब्रा के बीच का जो ज्वाइंट है वो कहलाएगा वर्टिब्रल ज्वाइंट। तो दो वर्टिब्राज हैं, मान लीजिए C4 एंड C5 है, तो दो वर्टिब्रा के बीच का जो सरफेस है वो फ्लैट है, और ये दोनों फ्लैट सरफेस की वजह से इसमें जो आर्टिकुलर पार्ट है वो क्या कर पाएगा? ग्लाइड कर पाएगा, जिसकी वजह से मैं बैंड सामने की तरफ बैंड हो सकता हूँ, पीछे की तरफ बैंड हो सकता हूँ, ये कहलाएगा ग्लाइडिंग मूवमेंट। फर्स्ट वन इज़ अ ग्लाइडिंग मूवमेंट। सेकेंड वन इज़ एंगुलर मूवमेंट। व्हाट इज़ एंगुलर मूवमेंट? एंगुलर मूवमेंट में जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स है, जैसे एल्बो ज्वाइंट लूम है, तो एल्बो ज्वाइंट में आर्टिकुलेटिंग बोन कौन कौन सा है? अपर आर्म में हो जाएगा ह्यूमरस, एंड फोर आर्म में रेडियस और अल्ना। तो जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स है उसके बीच का एंगल या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, मतलब एंगल में वेरिएशन हमें दिखाई देगा, तो वो कहलाएगा एंगुलर मूवमेंट। कैसे? फर्स्ट वन इज़ फ्लेक्सन। तो फ्लेक्सन में जो डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल एल्बो ज्वाइंट अगर मैं लूँ, तो आर्म और फोर आर्म के बीच का जो डिग्री है, आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच की डिग्री, वो डिक्रीज होती है, वो कहलाएगा फ्लेक्सन। एक्सटेंशन में क्या होगा? डिग्री जो है वो इंक्रीज होगा, किसके बीच में? आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में डिग्री इंक्रीज होगा, वो कहलाएगा एक्सटेंशन। फ्लेक्सन और लेटरल फ्लेक्सन में डिफरेंस है। जैसे मैं ट्रंक से मैं अगर लूँ, तो ट्रंक का, यानी कि हमारे ट्रंक का सामने की तरफ बैंड होना कहलाएगा फ्लेक्सन, लेकिन उसका लेटरली बॉडी के मिड लाइन से दूर जाना, तो ये जब लेटरली बैंड होंगे तो क्या कहलाएगा? लेटरल फ्लेक्सन कहलाएगा। ट्रंक के आस्पेक्ट में इसे समझाया है कि अगर मैं राइट या लेफ्ट की तरफ, कमर से, वेस्ट से राइट या लेफ्ट की तरफ बैंड होता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? लेटरल फ्लेक्सन कहलाएगा। अगर वेस्ट या ट्रंक के आस्पेक्ट में मैं कहूँ कि ट्रंक का सामने की तरफ बैंड होना, ये कहलाएगा फ्लेक्सन। ट्रंक का वापस अपनी पोजीशन में जाना, ये कहलाएगा एक्सटेंशन। ट्रंक का नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद और पीछे की तरफ बैंड होना, ये कहलाएगा हाइपर एक्सटेंशन। लेकिन ट्रंक का किसी एक साइड में, राइट या लेफ्ट साइड में बैंड होना, ये कहलाएगा लेटरल फ्लेक्सन। यहाँ पर देखिए एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्सन, एक्सटेंशन मिलता है, इवर्शन, इन्वर्शन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये है एंगुलर मूवमेंट। फ्लेक्सन, लोअर लिम का फ्लेक्सन, लोअर लिम का एक्सटेंशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। एबडक्शन एंड एडक्शन क्या है? तो एबडक्शन और एडक्शन समझिएगा इस डायग्राम से कि जब लिम्ब के किसी बोन को हम बॉडी के तरफ लेकर आएँ, तो ऐसा मूवमेंट कहलाएगा, बॉडी की तरफ ला रहे हैं, एड कर रहे हैं, यह कहलाएगा एडक्शन।
जब किसी लिम्ब को बॉडी से मैं दूर लेकर जाऊंगा तो ये कहलाएगा एबडक्शन। ओके, तो बॉडी की तरफ लाना या बॉडी के मीडियन प्लेन या बॉडी के मिड लाइन की तरफ मूव करना, जैसे ये देखिए इसमें अपर लिम्ब को, अपर लिम्ब में का एक पहले जो है वो एबडक्ट हो रहा है, बॉडी से दूर जा रहा है, तो वो एबडक्शन होगा। तो जब लिम्ब के किसी पार्ट को या मैं किसी लिम्ब के किसी बोन को बॉडी के मीडियन प्लेन से, बॉडी के मिड लाइन से दूर लेके जाऊंगा तो ये कहलाएगा एबडक्शन। अब बॉडी की तरफ लेकर आऊंगा, जोड़ूंगा बॉडी से, तो ये कहलाएगा एडक्शन। तो एबडक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट। अब आते हैं रोटेट करना। तो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के सराउंडिंग, उसी के बेस पर ही किसी चीज़ का रोटेट होना, किसी लिम्ब का रोटेट होना, किसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का रोटेट होना, ये कहलाएगा रोटेशन। तो जनरली आपको इसमें दो रोटेशन दिखाई देंगे, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन क्या है? एंटीरियर सरफेस ऑफ बोन ऑफ लिम्ब इज टर्न टूवर्ड्स द मिड लाइन, इट इज़ अ मीडियल रोटेशन। यहाँ देखिए पैर को अगर मैं समझूँ तो अगर किसी लिम्ब का, बोन का एंटीरियर सरफेस मीडियली रोटेट होगा, अंदर की तरफ आएगा, तो वो कहलाएगा मीडियल रोटेशन। आप सिर को देखिए, तो जो फेस को अगर मैं देखूँ तो फेस का एंटीरियर सरफेस अगर बॉडी के मीडियन प्लेन की तरफ आएगा तो वो कहलाएगा मीडियल रोटेशन, है ना। वैसे ही किसी लिम्ब के एंटीरियर सरफेस मीडियन प्लेन से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन या मीडियन प्लेन, तो वो कहलाएगा लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। व्हाट इज मीडियल रोटेशन? व्हेन द एंटीरियर सरफेस ऑफ अ लिम्ब ऑफ अ बोन विल मूव टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी, दैट विल बी नोन एज मीडियल रोटेशन। एंड व्हेन इट विल टर्न अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी, इट विल नोन एज लेटरल रोटेशन। यहाँ देखिए सिर को देखिए, सिर कैसा हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो वो अगर मीडियन प्लेन की तरफ आएगा तो वो क्या कहलाएगा? मीडियल रोटेशन। मीडियन प्लेन से दूर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? लेटरल रोटेशन कहलाएगा। अब स्पेशल मोमेंट, तो कुछ स्पेसिफिक ज्वाइंट होता है, जैसे कि रेडियो अल्नर ज्वाइंट, मतलब रेडियस और अल्ना बोन के बीच का ज्वाइंट कहलाएगा रेडियो अल्नर ज्वाइंट। यहाँ दो मोमेंट आपको दिखाई देंगे, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। व्हाट इज प्रोनेशन? यहाँ देखिए, प्रोनेशन में क्या होता है कि जो पाम होगा वो डाउनवर्ड होगा, जबकि सुपिनेशन में पाम जो है वो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये कंडीशन कब होती है? प्रोनेशन में, जब हम फूड को प्लेट से पिक करते हैं तो ये प्रोनेशन कहलाएगा, जबकि फूड को पिक करने के बाद जब उसे आप माउथ की तरफ लेकर जाएंगे तो वो सुपिनेशन कहलाएगा। तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ ज्वाइंट है, मूवमेंट है, जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ज्वाइंट में हमें दिखाई देगा। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन किस में मिलता है? रेडियो अल्नर ज्वाइंट में ये दिखाई देगा। व्हाट इज प्रोनेशन? व्हेन द पाम विल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डाउनवर्ड, इट विल बी नोन एज प्रोनेशन, लाइक द पिकिंग फूड फ्रॉम द प्लेट। सुपिनेशन क्या है? जब पाम जो है वो अपवर्ड होगा तो वो सुपिनेशन कहलाएगा, जैसे हम फूड को माउथ की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? सुपिनेशन कहलाएगा। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। तो यहाँ पर आपको मैंडिबल दिख रहा है, ठीक है, मैंडिबल हमने देखा है, मैंडिबल के बारे में हमने पढ़ा है। तो जब मैंडिबल टेम्पोरल बोन के साथ जुड़ता है तो एक ज्वाइंट बनाता है जो कहलाता है टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। जब हम मेस्टिकेशन करते हैं, फूड को च्यू करते हैं या बोलते हैं, तो ये हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट में मूवमेंट होता है। तो लोअर जा यानी कि मैंडिबल का सामने की तरफ मूव करना, फॉरवर्ड जो है उसका मूव करना, ये कहलाएगा प्रोट्रैक्शन। और लोअर जा यानी कि मैंडिबल का वापस अपनी जगह पर जाना, पीछे जाना, ये कहलाएगा उसका रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ये किस में पाया जाता है? टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट में पाया जाएगा। व्हाट इज टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट? अ ज्वाइंट बिटवीन द कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल एंड सॉकेट ऑफ टेम्पोरल बोन, इट इज़ नोन एज टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। यहाँ दो स्पेसिफिक टाइप के मूवमेंट हमें मिलेंगे, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। व्हाट इज प्रोट्रैक्शन? व्हेन द लोअर जॉ विल मूव फॉरवर्ड, इट इज़ प्रोट्रैक्शन। व्हेन लोअर जॉ विल बैकवर्ड एंड इट विल गो इन देयर नॉर्मल पोजिशन, इट विल नोन एज रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब हम अपर लिम में आते हैं। अपर लिम में कौन कौन से मूवमेंट हैं? फ्लेक्सन, फर्स्ट वन इज अ फ्लेक्सन। तो फ्लेक्सन में क्या होगा कि जो दो फ्लेक्सर सरफेस हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आर्म का फ्लेक्सर सरफेस मतलब इंटीरियर सरफेस, और फोर आर्म का फ्लेक्सर यानी कि इंटीरियर सरफेस। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्म और फोर आर्म के बीच में एंगल डिक्रीज हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? फ्लेक्सन कहलाएगा।
व्हेन टू फ्लेक्सर सरफेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, देखिए यहाँ पर आर्म का फ्लेक्सर सरफेस, एंटीरियर सरफेस और फोर आर्म का एंटीरियर सरफेस, ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, कहने का मतलब आमने सामने हैं, ये पोजिशन कहलाएगी फ्लेक्सन। सिंपल है, व्हाट इज एक्सटेंशन? तो जब आपके आर्म का पोस्टीरियर सरफेस यानी कि एक्सटेंसर, फोर आर्म का पोस्टीरियर सरफेस यानी कि एक्सटेंसर, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से लगभग पास पास रहेंगे, ये क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन कहलाएगा। इसमें आप समझ सकते हैं कि आर्म और फोर आर्म स्ट्रेट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये भी है कि एक्सटेंशन वो मोमेंट है, वो एंगुलर मोमेंट है जहाँ पर आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच एंगल इंक्रीज होगा, तो ये कहलाएगा एक्सटेंशन। देखिए एंगल इंक्रीज हो गया, 180 डिग्री इंक्रीज हुआ है, एंगल जो है वो 180 हो चुका है, तो जब वो स्ट्रेट हो जाएगा तो डेफिनेटली 180 डिग्री बना लेगा। तो व्हाट इज एक्सटेंशन? कि जब एक्सटेंसर सरफेस या डॉर्सल सरफेस, अपर लिम के एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, कि जब एक्सटेंसर सरफेस या डॉर्सल सरफेस ये दोनों एक दूसरे के लगभग पास आ जाएंगे तो वह एक्सटेंशन कहलाएगा। आई कैन ऑल्सो से दैट द डिग्री विल इंक्रीज इन द एक्सटेंशन मोमेंट, ओके, इन अपर लिम। एक्सटेंशन कब बोलेंगे? जब आर्म और फोर आर्म एल्बो ज्वाइंट्स के पास से होते हुए स्ट्रेट हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन कहलाएगा। अब आते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि जब अपर लिम्ब को मैं बॉडी के मीडियन प्लेन से दूर लेके जाऊंगा, एबडक्ट करूंगा, अवे मूवमेंट होगा इसका, तो वो कहलाएगा एबडक्शन, और अगर वो बॉडी की तरफ आएगा, मीडियन प्लेन की तरफ आएगा, तो ये कहलाएगा एडक्शन। एबडक्शन एंड एडक्शन, ओके। सरकमडक्शन, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसे इस तरीके से सिंपल समझिएगा कि जब किसी बॉडी का कोई पार्ट है, कोई उसका डिस्टल एंड है, वो सर्कल या कोन सेप बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? सरकमडक्शन कहलाएगा। इसमें एक मूवमेंट है, मूवमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, पहले मिलेगा एक्सटेंशन, फिर मिलेगा एबडक्शन, फिर मिलेगा फ्लेक्सन, फिर मिलेगा एडक्शन। इसे एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, वापस एक बार रिकॉल करिए, फ्लेक्सन मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग होगा, इसमें एंगल डिक्रीज होगा, एक्सटेंशन मतलब बैकवर्ड बेंडिंग होगा, इसमें एंगल इंक्रीज होगा, उसके बाद एबडक्शन और एडक्शन, एड होना मतलब बॉडी के मीडियन प्लेन की तरफ आएगा, एबडक्ट होना बॉडी से दूर जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, आप सरकमडक्शन में आइए, तो सरकमडक्शन में इसमें आप देख रहे हैं अपर लिम जो है वो उसको रोटेट करेंगे, सर्कल बनाएगा, इसका एक पॉइंट जो है वो शोल्डर ज्वाइंट की तरफ है, तो अगर आप समझेंगे तो सर्कल बन रहा है और इसे अगर मैं शोल्डर ज्वाइंट की तरफ जोड़ दूं तो ये कोन सेप बना देगा। तो अगर बॉडी के लिम्ब ऐसा मूवमेंट करता है जिससे कोन सेप बने तो वो या सर्कल बने तो वो सरकमडक्शन कहलाता है। इसमें सीरीज होता है मूवमेंट का, सबसे पहले एक्सटेंशन, उसके बाद एबडक्शन, उसके बाद फ्लेक्सन, उसके बाद एडक्शन। तो इस तरीके से जैसे बॉलिंग होता है ना, मूवमेंट करते हैं, ये क्या कहलाएगा? आपका सरकमडक्शन कहलाएगा। मीडियल रोटेशन, व्हेन द आर्म रोटेट्स मीडियली ब्रिंगिंग द फ्लेक्स्ड फोर आर्म अक्रॉस द चेस्ट, आप इस डायग्राम में समझिएगा मीडियल रोटेशन इस तरीके से। तो बॉडी के मीडियन प्लेन की तरफ अगर मैं फ्लेक्स्ड आर्म को लेकर आऊँगा तो ये कहलाएगा मीडियल रोटेशन, और फ्लेक्स्ड आर्म को जब मैं इस डायग्राम में फ्लेक्स्ड आर्म को जब मैं बॉडी से लेटरली मीडियन प्लेन से दूर लेकर जाऊँगा तो वो कहलाएगा लेटरल रोटेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए, फ्लेक्सन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, इस डायग्राम में आपको पूरे जो अपर लिम के जो मूवमेंट है वो यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। व्हाट इज सुपिनेशन? ये हमने इसके बारे में बात की थी कि जब जो पाम है वो फॉरवर्ड या अपवर्ड होगा, ठीक है, फॉरवर्ड सामने की तरफ या अपवर्ड होगा, एक्चुअली वो अपवर्ड है, ठीक है, मतलब बेटर जो वर्ड है, बेस्ट वर्ड है, वो क्या आएगा? अपवर्ड आएगा। तो जब पाम जो है वो अपवर्ड होगा, जैसे फूड को माउथ में पिक कर रहे हैं, तो ये सुपिनेशन कहलाएगा, और जब पाम डाउनवर्ड होगा तो ये प्रोनेशन कहलाएगा। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, प्रोनेशन मतलब पाम डाउनवर्ड, सुपिनेशन मतलब पाम अपवर्ड। एडक्शन ऑफ डिजिट द फिंगर और एबडक्शन, सिंपल है, एबडक्शन मतलब फिंगर का सेपरेट होना, दूर दूर जाना कहलाएगा एबडक्शन। तो इसमें कैसे हम किसको अगर बेस मानेंगे कि किससे पास होगा, किससे दूर होगा, तो जो मिडिल फिंगर है, तो मिडिल फिंगर स्ट्रेट पोजीशन में उसकी लॉन्ग एक्सिस ले लेंगे, तो इस मिडिल फिंगर के लॉन्ग एक्सिस की तरफ आना ये कहलाएगा एडक्शन। जब फिंगर एक साथ हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वह कहलाएगा एडक्शन, और जब फिंगर सेपरेट हो जाएंगे तो वह कहलाएगा एबडक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम अपोजिशन ऑफ द थंब। तो इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ क्लियर है
कि जब थंब का टिप किसी भी दूसरे फिंगर के टिप को टच करेगा तो ये कहलाएगा अपोजिशन ऑफ थंब। ओके, उसके बाद आते हैं सर्कमडक्शन ऑफ थंब। तो जब थंब से मैं इस तरीके से मूव करूं कि जो थंब है वो सर्कल बनाएगा या कोन शेप का बनाएगा, तो इसमें सीरीज होगा, मूवमेंट का सीरीज कैसे होगा, एक्सटेंशन, फिर एबडक्शन, फिर फ्लेक्शन, फिर एडक्शन, तो ये मूवमेंट कहलाएगा सर्कमडक्शन ऑफ थंब। एबडक्शन ऑफ थंब, एडक्शन ऑफ थंब, फ्लेक्शन ऑफ थंब, एक्सटेंशन ऑफ थंब, अपोजिशन ऑफ थंब एंड अल्टीमेटली सर्कमडक्शन ऑफ थंब। तो यहाँ तक ये क्लास एक बेसिक क्लास होती है, आप इस क्लास से समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भी कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।